डेंगू मलेरिया का समय आने वाला है, ऐसे में थोड़ी सी सावधानियां बरत कर हम लोग इस बीमारी को आने से पहले ही 50% तक कम कर सकते हैं, क्योंकि इन बीमारियों का बेस कूड़ा घर होता है। डेंगू मलेरिया के मच्छर कूड़ा घरों में ही पनपते हैं, ऐसे में अगर हम इन कूड़ा घरों को ही साफ कर दें तो हम 50% तक इस बीमारी को आने से पहले ही रोक सकते हैं। साथ ही समय समय पर दवाई का छिड़काव करना भी जरूरी है। संचारी में जैसे कि अब बरसात, इसके बाद बरसात शुरू होगी, बरसात के बाद में क्या होगा, मच्छर की वजह से जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, मलेरिया है, डेंगू है, इस तरीके की जो बीमारियां हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ये बीमारियां बहुत ज्यादा मतलब जो है वो फैलना शुरू हो जाती हैं। तो हमें प्रिवेंटिव मेजर अपनाने की जरूरत है। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर कि हम उसको मच्छर को ही न होने दें। इसके लिए सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि जैसे मच्छर जो है, मादा मच्छर अपने अंडे जो है वो ऐसी जगह पर अंधेरे में कहीं जहां कूड़ा का ढेर लगा हुआ, गंदगी है या कूड़ा है, वहां पर मच्छर जो है वो मादा मच्छर अपने अंडे देती है। ये अंडे जो है ये काफी समय तक इनएक्टिव स्टेज में पड़े रहते हैं, मतलब जीवित रहते हैं बिल्कुल पड़े रहते हैं, और वो जैसे उनको अनुकूल वातावरण मिलता है वैसे ही वो हैचिंग शुरू होती है। उससे फिर हैचिंग से वो जो हैचिंग होने के बाद में वो जो है लार्वा प्यूपा बनता है और वो उसके बाद में वो मच्छर बन जाता है। तो अब क्या है इसमें, ये अगर इसका अंडा जहां गंदगी जगह पर कहीं पड़ा हुआ है, कहीं पर कूड़े के अंदर जिसने अंडे दिए हैं, तो हम अगर कूड़े का प्रॉपर डिस्पोजल कर दें, समय से निस्तारण कर दें, गार्बेज डिस्पोजल, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज उचित समय पर, टाइमली, मच्छर से डायरेक्ट मच्छर नहीं होता, मच्छर अंडा देता है और मादा मच्छर, और उसके बाद अंडा से वो जो है हैचिंग होती है उसको, लेकिन हैचिंग अनुकूल वातावरण में होती है। अनुकूल मतलब इसे जैसे बारिश होगी और उसका थोड़ा सा मॉइस्चर वाला जो है टेम्परेचर, वैसे कंडीशन होगी एटमॉस्फेयर की, तो उस समय उसकी हैचिंग होगी और हैचिंग से उसके बाद में आगे की प्रोसेस बनके लार्वा प्यूपा बनके मच्छर बन जाता है। अब उसके बाद क्या है, ये कहां कहां होते हैं, ये जो जिसके लार्वा हैं, ये लार्वा इसका डेंगू का मच्छर, ये स्वच्छ पानी में, रुके हुए पानी में ही होता है, कभी रनिंग वाटर में नहीं होता है, जहां पर कोई साफ गंदे पानी में भी नहीं, साफ रुके हुए पानी में ही ये इसका लार्वा मिलेगा। तो रुका हुआ साफ पानी जहां भी है, तो ये उस ऐसी स्थिति में उसको साफ पानी जहां भी रुका है उसको रुकन ऐसा कंडीशन नहीं होने देनी, जहां है उसको वहां पर हटाना, खत्म करना। जैसे कहीं गड्ढे में साफ पानी भरा है, वहां ऐसी स्थिति है तो वहां पर एक या तो उसको जो है उसके सरफेस पे हम कोई ऐसा केरोसिन को लोग या उसका काला तेल मोबिल का डालते हैं, तो उसमें उससे क्या होता है कि वो जो लार्वा उसके अंदर है वो मर जाता, सांस नहीं, सरफेस टेंशन की वजह से वो सांस नहीं ले पाता, मर जाता है। या कहीं पर पानी थोड़ा गड्ढे वो भरे हैं, गड्ढे हैं तो उसको वहां पे मिट्टी डालकर उसको खत्म किया जा सकता है। कुल मिलाकर के इस तरीके के जहां जहां पानी का भराव की स्थिति है, उस भराव की स्थिति को खत्म करना है। तो जैसे लोग नहीं तेल डालते हैं, काला तेल उसमें डाल देते हैं रुके हुए पानी में, तो वहां पे मच्छर का प्रजनन नहीं होता है। एक तो ये चीज हो गई, जहां पे हम नहीं कर सकते, काफी काफी संख्या में, काफी बड़े क्षेत्र में जब ये पानी जो भरा हुआ है गड्ढों में, स्वच्छ रुका हुआ पानी, वहां पर ये स्थिति, और जहां छोटे मोटे गड्ढे हैं तो उनको तो ऐसे मिट्टी डाल के भराव या जो भी प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कहां कहां और हो सकता है स्वच्छ पानी रुका हुआ, जैसे हमारा कूलर, लोगों घरों में कूलर होते हैं, कूलर की सफाई नियमित रूप से करते रहें तो उसमें लार्वा नहीं पनपेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझना, छोटे छोटे घर लोगों के होते हैं जहां प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, वहां पर क्या होता है कि लोग जैसे छतों पे गमले, जीने पे गमले रखे हैं कहीं पर, तो गमलों में पानी भरते हैं लेकिन उसका ये, तो ये उनकी साफ सफाई रखें, गमले में भी पानी अगर रखें तो उसको पानी नंबर एक पानी भरने दें, पानी उतना डालें कि वो नम रहे, केवल उसका जो पेड़ जो पौधा सुरक्षित रहे, जो कूलर है उसकी सफाई करते रहे नियमित रूप से, ठीक है। छत पे या कहीं भी कोई ऐसा बर्तन खुला ना रखें, कोई ऐसा बर्तन जिसमें पानी भर जाए बारिश का, और अगर यदि है कोशिश करें कि जो घर के बर्तन ऊपर जो छत में भी रखते हैं, जैसे टंकी है या कोई तसले टाइप की या बाल्टी टाइप की या कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, कि उनको पानी खाली करके उलट के करके रखें तो उसमें पानी नहीं भरेगा,
अगर छत पे भी निष्प्रोज सामग्री है बर्तनों के प्लास्टिक बर्तनों के रूप में या टंकी के रूप में, तो उसको उलट करके रखें। तो उलट के रखने से होगा कि पानी नहीं उसमें भरेगा, जब पानी नहीं भरेगा तो उसमें कोई मच्छर जो है लार्वा मच्छर के लार्वा नहीं होंगे। तो ये स्थिति अगर हमने इस पे कंट्रोल कर लिया, इस तरीके से हमने काम कर लिया, तो मच्छर पर हम काफी हद तक जो स्थली उसका जीवन है मच्छर का लाइफ साइकिल, वो भी हमने उस पे कंट्रोल कर लिया, उसको भी खत्म कर लिया। अब जो बचा हुआ पानी वाला लाइफ साइकिल है उस पे भी हमने काफी कंट्रोल कर लिया। अगर इतना हमने कंट्रोल कर लिया तो हमने मच्छर की वो प्रजाति जो बीमारी फैलाती है डेंगू और मलेरिया फाइलेरिया फैलाती है उस पर हमने रोक लगा दी। मच्छर ही कम बनेंगे तो बीमारी कम फैलेगी। तो मच्छरों पे रोकथाम कर दी हमने, मच्छरों पे वार करके हमने ये रोकथाम कर दी। इस तरीके से हम ये मलेरिया डेंगू फाइलेरिया ये बीमारियों को हम बचा कम कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। थैंक यू।